जब रोड बनता है, जब ही मलबा पड़ के बनता है, नाली बनती नहीं है। अब नाली बनाएंगे तो ऐसी कि पहाड़ी का पानी सारा लैटरी का हमारे घर में जाएगा, हम तो डूबे पड़े। हमारा पानी तो जाएगा नहीं, हमारे घर तो नीचे चले गए। अब पहाड़ी का पानी ये जाएगा भैया, 12 नंबर की पानी 12 नंबर में जाना चाहिए, चाहे खोद के लिखा रहा चाहे कैसे लिखा रही है, उनकी गलियां हैं दो उनमें निकाल रहा। दिल्ली सांसद श्री रमेश भिदुड़ी जी ने कहा कि 8.5 करोड़ का फंड ऑलरेडी पास करा चुके हैं हम इस रोड के लिए, जो बहुत बेहतरीन तरीके से रोड का चौड़ीकरण भी करेंगे और रोड को मेन रोड तक उसके सीवर तक इस लाइन को ले जाके मुहैया भी कराएंगे। मैंने रात नाली भी तोड़ी, मैंने आप ये क्यों बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो क्या कह रहे हैं कि ये लेवल लिया जा रहा है। अब लेवल ऊपर मुंह करके थूकेगा तो कहाँ जाएगा, मुंह पे ना, पर ये लोग चढ़ाई से ना लेकर के यहाँ से ढलान से नाप ले रहे हैं, ये कौन सा तरीका है, मेरे समझ में नहीं आया। ये रोड 2 साल पहले भी बना था, और जब 2 साल पहले रोड बनाया गया था तो उस नाली उस टाइम क्यों नहीं बनाई, यहाँ पे नीचे लेवल से नाली बनाई जाए जो पुरानी नाली है, और पहाड़ी कट के सीधा पीछे जोड़ में डाला जाए स्कूल के पास, हमने आगे और इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। हमने कौन जिम्मेदार होगा, लिखित में दे दे, हम कहते हैं आसमान पे होकर ले जा, उसका जिम्मेदार हो जाए, जिम्मेदारी फ्लाईओवर बना रहे। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी हम मौजूद हैं संगम बिहार के धवन फार्म रोड पर, और इसको ट्रांसफार्मर वाला भी रोड कहते हैं क्योंकि सामने ही आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा। और इस रोड की वीडियो एक बार हम पहले भी बना चुके हैं, यहाँ पर अक्सर पानी भर जाता है और वो पानी हम कह सकते हैं कि 24 घंटे भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर सारी गलियों का पानी निकल के आता है, साथ ही साथ जो पहाड़ी है आगे उस पहाड़ी का भी पानी इसी रोड पर आकर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर कीचड़ रहती है। अब क्या शुरू हुआ है मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर पिछले लगभग 1 महीना हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मलबा डाला गया है रोड बनाने के लिए, इस रोड को ऊंचा करने के लिए, लेकिन ये मलबा भी 1 महीने से यहाँ पर पड़ा हुआ है। ना तो इस रोड को बराबर किया जा रहा है और ना ही कोई और समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि इस रोड को ठीक करने की बजाय अब यहाँ पर नालियों का काम शुरू हो गया है। साइड साइड से पहले जो नालियां थी यहाँ पर, उस नाली को भर दिया गया और उस पर दूसरी नाली बनाई जा रही है। इस दूसरी नाली की वजह से आप देखिए जो सामने घर है वो घर कितने ज्यादा गहराई में जा चुके हैं। अब ऐसे में उस घर का पानी इस नाली में वापस कैसे आएगा, जो घर का पानी है वो नाली में कैसे आएगा। यहाँ पर नालियां बनाना ज्यादा जरूरी है या एक सीवर लाइन ज्यादा जरूरी है बनाना, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ के लोगों की परेशानी जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। बताइए क्या परेशानी हो रही है आपको इस रोड के ना बनने से या बनने से क्या परेशानी हो रही है। देखिए ये रोड जो बना रहे हैं काफी ऊंचा उठा के बना रहे हैं, जो कि इसका बिल्कुल समाधान नहीं है। मेरे बिल्कुल थोड़ी सी दूर है पहाड़ी है, पहाड़ी कट के अगर पानी निकल जाएगा तो वहाँ निकल जाएगा। ये पूरा रतिया मार्ग पर ही पानी निकालना चाह रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। 3 साल पहले भी रोड बना था, उससे पहले का रोड जो बहुत बढ़िया बना है। नाली हमारी पुरानी नाली जो 8 फुट गहरी बनी हुई है यहाँ पर मौजूद है नाली, और जिसको कोई कवर नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर ही नाली द्वारा ठोप रहे हैं और हमारे सारे मकान नीचे चले गए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम इस रोड को ये रोड रुकवाने के लिए हम बिल्कुल नहीं कर रहे, रोड बनाइए पर इसका फ्यूचर देख के देखिए कि हमारे मकान में कहाँ जा रहा है। हमने जो पैसा था अपनी ज़िंदगी का कमाया हुआ, मेरी 59 साल की उम्र होगी, मेरी जो भी कमाई थी मैंने अपने मकान में लगा दिया। अब मेरे बच्चे आगे लॉकडाउन से काम बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं कहाँ मकान में पैसा लगाऊंगा, इतना परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। इस रोड के बनने से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है और ये रोड जो है हमारे सारे मकानों की रेड़ मार रहा है। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा मकान जो है 8 फुट नीचे पहले ही है, अब उसके ऊपर जो है फिर रोड का मलबा भर रहा है और नाली भर रही है, 10 फुट नीचे हो जाएगा। मैं सांस का मरीज हूँ, मेरे में काम धंधा नहीं होता, मैं कैसे बनाऊँगा इसमें काम के लिए। लोग बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि ये जो रोड बन रहा है, जो नालियां बन रही है ना, वो आधे मकान को कवर कर रही है। एक बार पहले भी इनके घर नीचे दब चुके थे, बहुत मुश्किल से इन्होंने ऊंचा किया और एक बार फिर से वही चीज दोबारा से शुरू हो गई है। और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। लोगों की सुविधा को देखते हुए लोगों के फोन हमारे पास आए, यहाँ से अमित भाई हो गए, हम हो गए, हमने उनके फोन की जब हमने देखा उनकी परेशानी इतनी हद तक बढ़ चुकी है, तो हमने इन सबको लेवरों को यहाँ से रुकवाया कि इसको विधि विधान के तहत ढंग से इस रोड का रोड मैप लेके इस चढ़ाई को नीचे से कटवा के जब एक मास्टर प्लान के तहत इस रोड को बनाया जाए, अन्यथा इस रोड को नहीं बनने दिया जाएगा। जनता को परेशान देखते हुए हमने एक अच्छे कदम की कोशिश करी और सबसे बात करी, सब लोगों ने इस चीज़ के लिए राजी है और उन्होंने हमारा साथ दिया कि क्या नाम है, इस रोड को ढंग से बनाया जाए और जो लोगों के घर भी ना दबे, और घर दबने की वजह से जो पैसा इनका खर्च होता वो कमाई अब इनके घरों में लगे, ना कि रोडों के चक्कर में अपने बाथरूमों को उठाना पड़े और अपने घरों में पैसा तोड़ फोड़ की वजह से लगाना पड़े। तो हमने तो अपना पूरा
लोगों की तरफ देखते हुए पूरा साथ दिया। और इसमें पहल करने वाले हमारे अमित चौधरी जी, जिनका फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे रोड पर इस चीज़ को लेकर परेशानी हो रही है, तो हमने उन बात करी और क्लियर करा। इस रोड का काम अभी रुकवा दिया गया है, तो क्यों रुकवाया गया है इस बात को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए, आप क्या ऐसा कहा जा रहा है कि आपने इस रोड के काम को अभी रुकवा दिया जनता की समस्या को देखते हुए, तो आपके मुताबिक क्या समस्या हो रही है इस रोड के बनने से? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि ये रोड 2 साल पहले भी बना था, और जब 2 साल पहले रोड बनाया गया था तो उस नाली उस टाइम क्यों नहीं बनाई यहाँ पे? जब लोगों के मकान नीचे हुए, ये अंकल हमारे यहाँ खड़े, किसी के मकान देख सकते हो, सबके 2-2, 3-3, 4-4 फुट नीचे मकान हुए हैं। ये नाली 2 साल पहले भी बन सकती थी, लेकिन क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उन्होंने एक फंड बनाना था, अपना फंड बना बनू के यहाँ से निकल चुके, और 2 साल बाद अब दोबारा वो फिर नाली क्यों लेके आ रहे हैं यहाँ पे? जब पहले कह रहे थे यहाँ सीवर डलेंगे, कभी कहते हैं नाली बनेगी, और ये नाली का पानी सारा वहाँ से लेके इस गली से निकालना चाह रहे, जो कि कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्या होता कि अभी तो ये पानी निकाल देंगे और बाद में वहाँ पे बरसात के टाइम में उस गली के लोग यहाँ का पानी रोक देते हैं, और फिर यहाँ के लोगों का और गली के लोगों का झगड़ा होता है। कुछ लोग उस गली के भी खड़े हुए बैठेंगे, बता देंगे अंकल आपके घरों में पानी बढ़ता नहीं बढ़ता। तो इस पानी का एक ही निकाल है कि इस मलबे को यहाँ से हटाया जाए, नीचे लेवल से नाली बनाई जाए जो पुरानी नाली है, और पहाड़ी कट के सीधा पीछे जोड़ में डाला जाए स्कूल के पास। हमने आगे और इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। हमने पार्षद से बोला, पार्षद ने हमारी नहीं सुनी, विधायक जी ने नहीं सुनी, जब हमें मजबूरी में सांसद जी के पास जाना पड़ा, जहाँ की आज एक रिसीविंग एप्लीकेशन लिख के लोगों के साइन करा के वहाँ गए हैं, तो उन्होंने कहा उनसे पूछो अगर वो कराते तो ठीक है, नहीं फिर मैं कराऊंगा। दक्षिणी दिल्ली सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी ने कहा कि 8.5 करोड़ का फंड ऑलरेडी पास करा चुके हैं हम इस रोड के लिए, जो बहुत बेहतरीन तरीके से रोड का चौड़ीकरण भी करेंगे और रोड को मेन रोड तक, उसके सीवर तक इस लाइन को ले जाके मुहैया भी कराएंगे। तो सांसद जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इस रोड को पूरी तरीके से हम कराएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस रोड के बनने से आपको क्या तकलीफ होगी, क्या नुकसान होगा आपके घर का, बताइए। हमारे घर ही जा रहे हैं, बिल्कुल नुकसान क्या होगा? हम तो पहले भी चले गए, जब रोड बनता है जब ही मलबा पड़ के बनता है, नाली बनती नहीं, अब नाली बनाएंगे तो ऐसी कि पहाड़ी का पानी सारा लैटरी का हमारे घर में जाएगा, हम तो डूबे पड़े, हमारा पानी तो जाएगा नहीं, हमारे घर तो नीचे चले गए, अब पहाड़ी का पानी ये जाएगा, तो इससे हमें बहुत दिक्कत है। इतना पैसा नहीं है ताकि हम ऊँचा बना सके, इसे बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं तो 3-4 बार गिर भी गई, मेरी आँख बनी है और मैं गिर भी गई इधर, और ये लोग कुछ सुन ही ना रहे। पहले ही मैंने रोक लगाई थी मेरी कि ये नाली मत बनाओ, तो ये माने नहीं, जबरदस्ती कर ले करे, कह रहे कि तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, हमें झाड़ू वाले ने बोला है। ठीक है भाई, केजरीवाल के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल जी ने ऐसा कहा है, उन्होंने वैसा कहा है, तो हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जो भी विधायक है, जो भी यहाँ के निगम पार्षद है, वो सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए, क्योंकि बार बार एक ही रोड को बनाने का क्या मतलब बनता है? जब ऑलरेडी यहाँ पर नाली है, रोड बनी हुई है अच्छी खासी, तो फिर क्या मतलब है कि बार बार फंड पास करवा के बार बार नालियां बनाई जाए और बार बार रोड बनाए जाए, और इससे अगर नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ आम जनता का हो रहा है जो यहाँ पर रह रही है, और भी लोग हैं, आप लोग बताइए। अरे बहुत परेशान है भैया, हम लोग तो यहाँ पर आने इतने हैं, जब पानी भरो रहे तो मकान सब गड्ढे में चले गए, पानी की हर चीज़ जगह पर परेशानी, यहाँ पर आने रोड बनाओ, पीछे की नाली निकाल लो नीचे की, हमका मैंने सुना करा रोड बना, और पहाड़ी के नीचे पहुँचा दो, पहाड़ी काट के ले जाओ, काट पीट के अपने आराम से निकाल रहा बाहर को। आप बताइए भैया, 12 नंबर की पानी 12 नंबर में जाना चाहिए, चाहे खोद के लगा रहा चाहे कैसे लगा रहा, उनकी गलियां हैं दो उनमें निकालो, हम बस ये चाहते हैं और कुछ नहीं। हम यही कहते हैं कि 12 नंबर का पानी उधर जाना चाहिए, हमारी इधर तरफ नहीं आना चाहिए 12 नंबर का पानी, बस ये चाहते हैं, जैसा बनना उधर ही पानी जाए, नहीं हमारे घर बिल्कुल गड्ढा में आ जाएंगे, पानी हमारे घर में भर जाएगा। और भी लोग हैं पीछे, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि उनकी क्या समस्या है, एक सिर्फ एक जन की क्यों दिखाए, जब यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े तो सबकी समस्याएं जानना जरूरी है, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई एक की ही परेशानी है, यहाँ पर जितनी भी जनता है सबकी परेशानी है ये, और सब आवाज उठाना चाहते हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? ये पहाड़ी को तोड़वा के इसको 12 नंबर में मिलवाया जाए, ये पूरा पानी धरी डाल रहे है, हमारे सारे मकान नीचे जा रहे है, और अब इतना पैसा तो है नहीं, 2-3 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, सब घर में बैठे हुए हैं। रोड, इस रोड के बनने से क्या आपको कोई दिक्कत है? रोड बन जाना चाहिए तो अच्छी बात है। तो क्या आपके घर इधर ही है या अंदर गलियों में है? यहीं गलियों में ही। अच्छा, आपके घर गलियों में है, इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इस रोड पर, उनका कहना है कि इस रोड के बनने से, नाली के बनने से उनका घर जो है वो गड्ढे में जा रहा है। ऊंचा करके नहीं बनाए, नीचा करके बना दें, और ये पानी पहाड़ी का है ये उधर डाल दें 12 नंबर में।
आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। अभी 3 साल पहले बनाया था, रोड से 5 फुट ऊपर था मकान, अभी 2 फुट नीचे चला गया। अभी बार बार ऐसे रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे नहीं तो हम कहाँ ले जाएंगे, क्या इसको बेसमेंट बना देंगे हम? है अब इसमें ऑफिस भी इनका रह चुका है एमएलए का, तब ऊंचाई पर था मेरा मकान। आज ये नौबत आ गई, अब देखो 2 फुट नीचे चला गया, अभी बनाएंगे तो और हम कहाँ ले जाएंगे इसको? इसको मलबा को हटा कर नीचे से बनाएं, पहाड़ी काट के पानी उधर ले जाए। क्या मतलब बनता है बार बार एक ही चीज के लिए फंड पास कराने का, बार बार एक ही चीज को बनाने का और बार बार तोड़ने का? अब मैं पूरा आपको दिखाती हूँ, पूरा मुआयना करवाती हूँ कि ये लोग इससे क्यों परेशान है। अब यहाँ पर ही आप देख लीजिए कि ये घर भी सामने है, ये घर भी नाली बनने की वजह से ये घर भी नीचे जा चुका है। अब पाइप कैसे लगाया जाए? कुछ लोगों ने तो दीवार चलो तोड़ कर पाइप लगा दी, लेकिन जिनके घर ऑलरेडी आधे जा चुके हैं, लगभग आधा गड्ढे में जा चुका है, वो पाइप कैसे बाहर निकाले? और ये कब तक चलता रहेगा? कभी नालियों के नाम पर फंड लिया जाएगा, कभी सड़क के नाम पर फंड लिया जाएगा, और आए दिन आज इस रोड को ऊंचा करा दिया तो इनके घर नीचे चले गए, कल को ये करेंगे कि गलियां नीचे चली जाएंगी, उसके बाद क्या करेंगे कि आज ये तुम्हारी गली नीचे हो गई है, अब इसके लिए फंड पास कराएंगे और फिर गलियां बनानी शुरू करेंगे। अभी इन लोगों के घर नीचे गए हैं, मैं घर दिखा दूं आप लोगों को कि अभी इनके घर नीचे गए हैं क्योंकि ये रोड बन रही है। अब जो इस रोड से जुड़ी हुई गलियां हैं उन, हाँ बताइए, अब कहाँ लेके जाए? छत्ती से देहरी लगा दी, अब कहाँ लेके जाए बताओ? ये छुए रहे हैं, अब कहाँ हम ऊपर उड़ जाए, कहाँ जाए हमारी समझ में नहीं आ रही। ये नाली तोड़ने को मैंने बनाने को पहले मैंने करा तो नहीं माने, सारी लेबर चढ़ के मेरे ऊपर आ गई, रुकी नहीं बिल्कुल। मैंने मलबा मंडारा भैया पहले वाले नाले, इस रोड से जुड़ी हुई जो भी गलियां हैं, मैं पहले गलियां दिखाना चाहूंगी कि उन गलियों का अभी देखा जाए तो वो सभी गलियां ऊंचाई पर है। अभी जो भी गलियां है वो ऊंचाई पर है और यहाँ पर भी मकान देख लीजिए कितना ज्यादा, नाला बनाने की वजह से ये मकान नीचे जा चुका है और मकान के अंदर पानी जा रहा है। जो मकान पहले ऊंचा था वो सिर्फ और सिर्फ इस रोड के बनाने की वजह से वो नीचे हो गया। रोड बनाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि रोड बने लेकिन नीचे स्तर से बने ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो और जो पहले के रोड यहाँ पर है उनकी बस अच्छी मरम्मत करवा दी जाए, लेकिन ये बेकार में मलबा भरा के इसको ऊंचा ना किया जाए। अब हम गलियों का भी देखते हैं कि गलियों का क्या हाल है। ये गेट भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा नीचे जा चुका है घर। पानी कहाँ से निकलेगा इसका? मैं तो ये बोला था मैंने उनको कि जब ये ठेकेदार आया था बना रहा था इसको, मैंने रात नाली भी तोड़ी, मैंने आप ये क्यों बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो क्या कह रहे हैं कि ये लेबर लिया जा रहा है, अब लेबर ऊपर मुंह करके थूकेगा तो कहाँ जाएगा, मुंह पे ना? पर ये लोग चढ़ाई से ना लेकर के यहाँ से ढलान से नाप ले रहे हैं, ये कौन सा तरीका है मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि आप लोग यहाँ से काम चालू करें, वो नहीं कर रहे हैं, नहीं यहीं से चालू होगा। अब आगे से वो लोग रास्ता बंद कर देते पानी निकलने का, अब पानी जाएगा तो कहाँ जाएगा? जैसे यहाँ पे पहले ही पानी भरता रहा और अब भी पानी भरेगा, और वही तरीका है कि अंदर पानी जाएगा और अंदर ही पूरा भरा है, आप अंदर आके देख लो। और उसके बाद एक तरफ नाली बन रही है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बना रहे, आप देख सकते हो वहाँ पे भी तो नाली होनी चाहिए, वहाँ का पानी कहाँ आएगा? इन लोगों के घरों में आएगा, उनका उल्टा हो कह रहे कि वहाँ ऊंचा रहेगा और यहाँ नीचा रहेगा, वहाँ का पानी इधर आएगा और ये पानी इन लोगों के घरों में पड़ेगा, लोगों के बाथरूम का गंदा पानी सब इन लोगों के घरों में पड़ेगा, फिर इन लोगों के रोज झगड़े होंगे, झगड़ों में कल को आपस में कोई नुकसान होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? काउंसलर आएगा, एमएलए आएगा? यहाँ हमने तो काउंसलर और एमएलए से एक ही चीज बोली थी कि आप रोड बनाओ, काम करो, लेकिन तरीके से करो जिसमें हम भी आप लोगों की सपोर्ट करें, जिससे लोगों का नुकसान भी ना हो, गरीब लोग हैं। अगर ये इतने रईस होते तो जीके वगैरह में रहते, यहाँ संगम विहार क्यों रहते सब? तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये आवाज़ हमारी यहाँ के निगम पार्षद विधायक जी तक पहुँचाए और उनसे बोले कि इस काम को तरीके से लेके चले जिससे लोगों का भी भला हो, सिर्फ अपने फंड के चक्कर में ये नहीं कि हर साल रोड बनाते रहे, उससे कोई फायदा नहीं होगा रोड बनने से। रोड बनाओ, एक बार बना दो, ऐसा बनाओ जो 10 साल चले, 15 साल चले। ये इससे पहले सरिता चौधरी ने रोड बनाया था आज से 15 साल पहले, आप लोगों से पूछ सकते हो कि अगर वो रोड कोई गलत था, सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, सब जानते हैं। मुझे ये नहीं मालूम पड़ा है ये इंजीनियर बना रहा है, कोई अनपढ़ गवार रोड बना रहा है, मुझे ये नहीं मालूम पड़ा इस पर इंजीनियर कोई किसी का है महत्व की नहीं है। ये पढ़ा लिखा आदमी है जो ठेकेदार है जो भी है पढ़ा लिखा है कि रोड पहाड़ी काट के नहीं बना के और सीधा ऐसे बनाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे लोगों के सब घर घर डूब रहे हैं। अब आगे भी गली का मुआयना करते हैं और गली का भी हाल दिखाते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ऐसे में ये गली मैं आपको दिखा दूं, ये घर भी देख लीजिए, यहाँ पे भी एक घर है जो पूरा का पूरा ये नीचे जा चुका है। ये दुकान देखो, इस पर पैर लटका के बैठते थे हम, और आप देखो क्या हालत है। और दूसरी बात, एक मिनट, उस बेवकूफ से ये पूछियो
ये बिल सब छोड़ रखे हैं, मतलब सीवर का पानी जाओ इधर उधर, इसके नीचे सीवर है तो ये पानी कहाँ जाएगा? अगर बिल्डिंग गिरेगी उसका जिम्मेदार कौन होएगा? जिन्हें फंड पास किया है या जिनने वो बनाया है नक्शा बनाया है, कौन जिम्मेदार होगा? लिखित में दे दे, हम कहते हैं कि वो आसमान पर होकर ले जा, उसका जिम्मेदार हो जाए, जिम्मेदारी फ्लाईओवर बना रहे हैं। यहाँ नालियाँ बनाने से ज्यादा जरूरी है कि रोड पर जो सीवर अगर पहले से बने हुए हैं तो उनको चालू किया जाए, और अगर सीवर यहाँ नहीं बने हुए हैं तो दोबारा से यहाँ पर रोड को जो बार बार ये बना रहे हैं उससे अच्छा है कि यहाँ पर सीवर का काम करवा दिया जाए ताकि ये सारी समस्या एक बार में ही खत्म हो जाए। अब हम सबसे पहले गलियों का मुआयना कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको और चीजें दिखाएंगे। अब आप यहाँ देखिए, ये रोड, ये गली की रोड है जो ऊंची है। अभी कुछ दिनों बाद क्या होगा, जैसे ही ये रोड बनेगा, जैसे ही ये रोड को लेवल में लाया जाएगा, लेवल में लाने की बात की जा रही है पहाड़ी से, जैसे ही ये रोड लेवल में आएगा ये गली नीचे हो जाएगी, फिर यहाँ का सारा पानी उस गलियों में जमा होने लगेगा, बारिश का पानी जमा होने लगेगा, फिर ये कहेंगे कि गलियाँ नीची हो गई, अब इसको ऊंचा करते हैं, एक फीट नहीं दो फीट नहीं तीन फीट ऊंचा करेंगे, उसके लिए फंड पास करवाएंगे, और वो पैसा आधा यहाँ लगेगा और आधा उनकी जेब में जाएगा। नेता चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, फंड पास करवा करवा के बार बार रोड बनाने से अच्छा है कि सीवर बनाया जाए। यहाँ की जो समस्या है वो पहाड़ी काटकर पाइप उधर से निकालने से अगर सॉल्व हो रही है तो वो काम किया जाए। और आगे भी मैं आपको दिखा दूं कि कैसे कैसे यहाँ पर रोड बनाए हुए हैं। इसके अलावा भी और गलियाँ हैं। अभी यहाँ देखिए, ये पहाड़ी का पानी है जो यहाँ से सीधे वहाँ तक पूरा पहुँच रहा है, पूरा इस रोड को भर रहा है। आगे भी कई ऐसी गलियाँ हैं जिस गलियों में अभी देखा जाए तो वो गलियाँ ऊंचाई पर है, लेकिन कुछ दिनों बाद जिस मुताबिक जिस लेवल पर इस रोड को बनाया जा रहा है वो गलियाँ नीचे हो जाएंगी, और एक बार फिर से उस गलियों के रोड को बनाने के लिए फंड पास करवाया जाएगा मुख्यमंत्री जिनसे, और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ केंद्र सरकार से भी कि हाँ यहाँ पर ये अच्छी समस्या हो रही है और इस गली को बनाना चाहिए। अब आप इसी गली को देखिए, यही गली मैं दिखा दूँ, ये गली अभी ऊँची है, कुछ दिनों बाद जब यहाँ की नाली बनेगी, अभी तो आधी नाली बनी हुई है, उसके बाद ये रोड भी नीचे हो जाएगा, उसके बाद फिर इसके बराबर क्या है, फिर इस गली को बनाने की बात की जाएगी। क्या हो क्या रहा है, आए दिन यहाँ पर गली ही बनेगी, आए दिन यहाँ पर रोड ही बनते रहेंगे, क्या और कुछ यहाँ रह नहीं गया? क्या संगम बिहार में यही एक समस्या रह गई है कि रोड बनाओ कभी कभी, गली बनाओ, लेकिन यहाँ पर सीवर का काम ढंग से ना करवाओ, नालियों का काम ढंग से मत करवाओ, अपने तरीके से कैसे भी कुछ भी कर दिया जा रहा है ताकि बार बार फंड लिया जा सके और बार बार लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ है नहीं। आगे भी आप देख सकते हैं वो पहाड़ी है, वहाँ से काट कर वहाँ का जो पानी है वो उस तरफ किया जा सकता है, ये सॉल्यूशन है इस बात का, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे खोद के यहाँ से वहाँ नाली बनाई जा रही है, कितनी भी नाली लेवल पे कर दी जाए लेकिन जो पहाड़ी का पानी है वो तो इधर ही आएगा ना, वो उस तरफ तो जाएगा नहीं। अगर यहाँ से काट के अगर पाइप ना लगाया जाए, पाइप नहीं लगाई जाएगी तो समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। अभी भी पानी भर रहा है और आगे भी पानी भरता ही रहेगा। और भी एक दो लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं और उनका भी दिखाते हैं कि वो क्यों परेशान है इस चीज़ से। अब गाड़ियों का ही देख लीजिए आप, कितना जाम लग रहा है यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से, लेकिन ये समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि काम तरीके से नहीं किया जा रहा है। एक जो कहते हैं स्मार्ट वर्क, वो स्मार्ट वर्क नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, बस काम करना शुरू कर दिया है और कैसे भी हो, आज नहीं तो कल हो जाएगा, बस ये जनता को जताया जा रहा है, लेकिन जो तरीका होता है काम करने का सही, वो तरीका सही नहीं है। सही तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा कहते हैं कि पाइप लगाकर, ऐसा लोग कह रहे हैं, और जो यहाँ पर नालियाँ बना रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाइप लगाकर यहाँ का पानी बाहर कर दे, लेकिन जो लोग इतनी गहराई में पहले से ही रह रहे हैं वो अपने घरों का पानी बाहर कैसे निकाले? उनको तो नीचे तो वो कोई काम कर ही नहीं सकते पानी का, क्योंकि निकासी नहीं है वहाँ पे, उन्हें सारे काम अपने छत पे करने पड़ेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है वो छत पे घर कैसे बनाए? वो तो ऐसे ही रहेंगे जैसे ये लोग रह रहे हैं। क्या इनकी समस्या सरकार को नहीं दिखती है? क्या बार बार रोड बनाने से इनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? रोड बनाया जाए, कोई भी इस रोड के विरोध में नहीं है, सभी चाहते हैं कि यहाँ पर रोड बने, लेकिन तरीके से बने, ऐसे बने कि किसी को कोई परेशानी ना हो और किसी के घर का कोई नुकसान ना हो,
कैमरामैन हफीज के साथ मैं नमिता चौहान, एनसीआर समाचार, दिल्ली।